नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, हमारे पास ये जेब्रोनिक्स का एक टावर आया है, देखिए ये होम थिएटर। और इसके अंदर देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो मॉड्यूल कार्ड है यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही है। तो यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट पे जब हमने सप्लाई को चेक करा तो यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही थी इसकी 5 वोल्ट की। तो हमने देखिए इसके बोर्ड को जब ओपन किया तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम निकली वो मैं आज आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसका बोर्ड थोड़ा भारी है। तो इसका देखिए जब बोर्ड हमने ओपन करा तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो ये देखिए 7805 जो आईसी है, देखिए ये तो ये देखिए ड्राई है। आपको कैमरे में देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये वाली जो पिन है, ये देखिए ये पिन जो है इसके अंदर ड्राई है, ये देखिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये वाली पिन जो ड्राई है, जहाँ पर देखिए मेरी उंगली रखी हुई है, ये देखिए ड्राई है, ये देखिए मैं आपको थोड़ा और पास से दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये वाली पिन जो है हमारी थोड़ी ड्राई है, और इसको हम यहाँ पर सोल्डिंग करेंगे। देखिए तो इसको सोल्डिंग करने के बाद फिर हम इसको चला के देखते हैं किस तरीके से वर्क करेगा। तो पहले मैं इसको सोल्डिंग कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने कैमरा जो है हाथ में पकड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितनी छोटी कमी के वजह से इसके अंदर ये जो फॉल्ट जो है वो आ रहा था। और देखा इसके अंदर आपने सिर्फ 7805 आईसी जो है वो ड्राई हो रही थी, ड्राई की वजह से हमारा यूएसबी कार्ड ऑन नहीं था और उसी की वजह से ये हमारा सेटअप सेट जो है ऑन नहीं था। अब देखिए इसके अंदर बढ़िया आवाज आ रही है। तो आपने देखा कितना अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो देखा आपने छोटी छोटी जो कमी है उनके वजह से भी इन टावरों में दिक्कत आ जाती है। और दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा।